जो आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं जो हार्मफुल होते हैं उसका वेवलेंथ अलग है, और जो रेडिएशन जो माइक्रोवेव रेडिएशन जो मोबाइल में यूज़ करते हैं, और अगर किसी से ये रेडिएशन ब्लॉक हो गया तो मोबाइल का यूज़ भी नहीं है चलेगा। तो जब बोले कि तुलसी से मोबाइल का रेडिएशन ब्लॉक होता है तो मैंने प्रयोग किया, मोबाइल लिया, इसके ऊपर पूरे तुलसी के डाल डाले और लिंक कर दिया। अगर रेडिएशन नहीं जाते हैं और वहाँ से नहीं आते हैं तो क्या होना चाहिए, मोबाइल आउट ऑफ कवरेज आना चाहिए, मोबाइल तो रिंग हो गया। और नेक्स्ट मैंने इसको एल्यूमिनियम फॉइल में बंद कर दिया। एल्यूमिनियम फॉइल में जब आप बंद करते हैं तो काम नहीं करता। तो मैंने लोगों को दिखाया कि ये सच नहीं है कि तुलसी से रेडिएशन ब्लॉक होता। और एक बात आप मानिए, अमेरिका में ऐसे बहुत सारी बात है कि किस इससे या उससे मोबाइल का रेडिएशन बंद करते हैं, कम करते हैं। अमेरिका गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया। क्यों मालूम है? जब आप रेडिएशन ब्लॉक करते हैं और ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो मोबाइल और भी ज़्यादा रेडिएशन देता है। एक और है जिनके लो कवरेज पे जाता है, एक और है, आपने अभी तुलसी का बताया, एक दावा है गोबर की चिप बन रही है, गोबर की चिप लगा कर भी कह रहे हैं कि रेडिएशन कम हो जाता है। नहीं किया करके दिखाएंगे, अच्छा देखेंगे, क्योंकि हम किसी को नकारना नहीं चाहते हैं। बिना किए आप लाइए गोबर, और अगर रेडिएशन खत्म होता है तो मोबाइल रिंग नहीं। कुछ लोगों ने बनाई थी चिप, बेची भी हैं। वो तो बहुत बुरी बात है। अगर कोई कहे तो हम कहेंगे कि टेस्ट करने वाली बात है, अगर कोई बेचेगा तो ये तो लोगों को ढोंग करने वाली बात है बिना प्रयोग के। क्योंकि कुछ कानून भी है इस देश में, किसी भी चीज़ को मार्केट में लाने से पहले इसका टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ चमत्कारी चीज़ है। एक जो बोल रहे थे कि ये तो साउथ वाले बाबा बोल रहे थे कि हम चमत्कारी मलहम से कुछ भी जोड़ सकते, तो किसी के हाथ तोड़ के जोड़ेंगे, किसी के पैर तोड़ के जोड़ेंगे, किसी के उंगली काट के जोड़ेंगे। सबसे पहले तो आप इटारसी आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका आने का? मेरा उद्देश्य एक ही होता है हमेशा, न जाने में कितने बार आया, 25 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, एक ही होता है कि सब में, सिर्फ बच्चों में नहीं, सब में वैज्ञानिक सोच पैदा करें, कि किसी भी चीज़ को मानने से पहले इसको तर्क की कसौटी पे लगा दे और जो सच निकला सिर्फ और सिर्फ उसको माने। और ये सोच कैसे बनाते हैं? बेस्ट वे इसको बनाना है प्रयोग के द्वारा। इसलिए हम इनके सामने कुछ चीज़ों को दिखा रहे हैं जो देखने में लगते हैं बिल्कुल चमत्कार जैसे, लेकिन जब आप सोच करें तो पता लगता है कि इनमें चमत्कार नहीं, इसके पीछे विज्ञान का एक न दूसरा तत्व होता है। बस यही मकसद है हमारा। हम किसी को यह नहीं कहते इसको मानो या उसको मानो या उसको मत मानो या इसको मत मानो, हम सिर्फ कहते हैं कि सारी की सारी, और ये जो हमारी देश की भव्य परंपरा है, हजारों सालों से चली आई ये परंपरा को आज खंडित किया जा रहा है। अभी इसके खिलाफ तो हम बोलेंगे, क्योंकि ये जो सोच पहले आया था इंडिया में और अब यहाँ से चला जा रहा है, ये तो चलना नहीं चाहिए। अभी सूर्य ग्रहण के समय जागरूकता के बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, इटारसी में भी हुए, भोपाल में भी हुए, अभी सामने चंद्र ग्रहण है ना, उसके लिए आप अभी आपके पास समय है तो आपके प्रोग्राम में उसको जोड़ेंगे क्या, या आप एक फिक्स प्रोग्राम लेकर आए? लगभग 40 सालों से मैं ग्रहण के नीचे जाकर खाने पीने की बात कर रहा हूँ। हम सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, मंगलुरु में ग्रहण तो 0.94 से ज़्यादा हो गया, 0.94 या 0.95 हुआ था। और इसके 3 दिन पहले जब मैं स्कूल गया तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर सूर्य ग्रहण के नीचे गए तो उसके रेस से हमको स्किन डिजीज आता है। तो मैंने बताया उस बच्चे को, मैं इस पूरे सूर्य ग्रहण के टाइम पे सूर्य के नीचे मेरा स्किन एक्सपोज करूँगा। और वो कैसे होगा? बिल्कुल
और बेस्ट तरीका क्या है, सिर्फ अपना स्विमिंग शॉर्ट्स में खड़ा। मैं स्विमिंग पूल का मेंबर हूँ 30 सालों से, उधर गया स्विमिंग शॉर्ट्स पे खड़ा हो गया और पूरे ग्रहण के टाइम में हमने स्विमिंग कर दिया, पूरे सूर्य को अपना बॉडी एक्सपोज कर दिया। बाद में बाहर आए और हमारे बहुत साथी जुड़े हुए थे, सब मिलके हमने सूर्य ग्रहण देखा। उसका स्पेशल फिल्टर है। और एक बात कहता हूँ कि सूर्य ग्रहण को अपने खाली आंखों से नहीं देखना है, इसके लिए स्पेशल फिल्टर्स यूज करने हैं, क्योंकि अगर ऐसे आंखों से देखा तो आंखों की रेटिना जो अक्षि पटल कहते हैं, तो ये जल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को ऐसे बेयर आईज से नहीं देखना, इसका स्पेशल फिल्टर से ही देखना। अच्छा, बाद में हमने खा लिया। और बच्चे थे, सबसे छोटा बच्चा 2 साल का था जिसको मैंने अपने खुद के हाथों से बिस्कुट खिलाया, और यही जो बच्ची थी जिसको मैंने नाम दिया था 2 साल पहले, और वो भी अलग तरीके से। उसके नामकरण के टाइम पे ऐसे ही नामकरण नहीं किया था, पूजा नहीं किया था, विज्ञान का प्रोग्राम करके इनका नाम दिया था। तो बात यह है कि हमारे देश मजबूत बनने के लिए हमें वैज्ञानिक सोच बढ़ाना चाहिए और इसी काम हम कर रहे हैं। देखिए, इसका पीछे कारण ये होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे हम एजुकेशन नहीं दे रहे, वो ही देना चाहिए। मैं आता हूँ, 1-2 घंटा बोलता हूँ, जाता हूँ, बाद में घर में इनके परिसर में ऐसे जो इनके मन में ये सब चीज़ों को दबाया जाए। जब बच्चा क्वेश्चन करना सीखता है, जब हमारे साथ इधर तो एक डीसी आए थे कुछ साल पहले, क्या नाम था उनका, मैं तो भूल गया, वो तो कर्नाटक वाले थे, इन्होंने मुझको बताया, धनराज साहब आए, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, उन्होंने मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखा था और मैंने जवाब दिया था, और उसी टाइम पर वो वैज्ञानिक सोच अपना ले 7th स्टैंडर्ड में, और उनको याद है मेरा नाम, सुनते ही बोले कि मैं इनको जानता हूँ। नाम तो उनका मैं तो भूल गया, क्या नाम, धनराज है, वो तो कर्नाटक के अभी उप सचिव हैं भोपाल में। अच्छा, तो यहाँ थे वो, एसडीएम थे वो, प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम में बैठे थे प्रोग्राम।